पचपेड़ी नाका रायपुर स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल अब उत्तम चिकित्सा का लाभ पूरे प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने प्रतिष्ठान का विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में अब भिलाई दुर्ग के रहवासियों को भी इसकी सुविधा जल्द मिलने जा रही है। दुर्ग जिले में पहली बार मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सौजन्य से हो गया है। इस ओपीडी में फिलहाल 10 विशेषज्ञ डॉक्टर अलग अलग समय और अलग अलग दिन पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि दुर्ग भिलाई सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी उत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके और वह भी किफायती दरों पर। इसी को लेकर भिलाई शहर में रविवार को मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया गया। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संचालक और शिक्षाविद आईपी मिश्रा ने विधिवत फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर आईपी मिश्रा ने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल प्रबंधन को एक अच्छी सोच को लेकर इस तरह के कार्य करने पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी। साथ ही रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन ने भिलाई में ओपीडी का शुभारंभ करने के उद्देश्य एवं आगामी समय की योजनाओं को लेकर ग्रैंड एसीएन न्यूज को जानकारियां दी है। देखिए, रामकृष्ण केयर का एक नाम है और रायपुर में लोग भागते हैं जब यहाँ पे नहीं होता है। वैसे तो यहाँ भी काफ़ी काम चालू हो गया है, ऐसी बात नहीं, पर मेरे को लगता है कि कुछ फायदा तो होगा, क्योंकि पर ये अभी ओपीडी तक ही सीमित, तो लोग दिखाएंगे तो जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है और ये है, ये सब चीज़ें यहाँ देखी जा सकती, तो फायदा तो होगा ही। हाँ, सुविधाएं बाद में आगे चल के बढ़ाएंगे। क्यों भाई संजय जी? डॉक्टर देवा दुलाल बिस्वाल, मैं कैंसर देखता हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। उद्देश्य कुछ नहीं है, हम पेशेंट के घर के पास पहुँचना चाहते हैं। पेशेंट को हर बार हर छोटे चीज़ के लिए उसको हॉस्पिटल आने की या बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बहुत लोग तो डर जाते हैं, जाते भी नहीं है हॉस्पिटल, हम नहीं जाएंगे, हम क्लिनिक लेवल पर दिखा लेंगे। तो एक प्रयास है कि क्लिनिक का उनको एक्सपीरियंस दिया जाए, अच्छा से अच्छा क्लिनिक बनाया गया है और काफ़ी किफ़ायती रेट में भी रखा गया है, तो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। दुर्ग और भिलाई बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और बहुत अच्छे लेवल के लोग रहते हैं, मतलब गुड सिटीजन, हाई क्लास सिटीजन है, उनके पास हम सुविधा पहुँचाना चाहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि 80% तो क्लिनिक में हो जाता है, 20% हमें लेना पड़ता है लेके, तो उस हिसाब से गाइड करेंगे, जो यहाँ पे हो जाए कोशिश करेंगे यहीं पे कर लेंगे, और जैसे ही कुछ सीरियस हुआ, जैसे नहीं हुआ और एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो बताएंगे, फिर लेके जाएंगे। रामकृष्ण वहाँ तो है ही। जो विस्तार हो रहा है ये सिर्फ दुर्ग भिलाई में रहेगा या प्रदेश के अन्य जिलों में भी बढ़ाने की योजना है? अन्य जिलों में तो है, लेकिन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि रायपुर का जो ट्विन सिटी है भिलाई दुर्ग, वो हमारा ज़्यादा फोकस है। मतलब आने वाले समय में अन्य जिलों में भी जाने की। बता दें कि श्री रामकृष्ण केयर अस्पताल छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थानों में गिना जाता है और यहां की सेवाएं पूरे देश भर में मशहूर है और पूरे देश भर से मरीज यहां आते हैं। अब प्रदेश और देश भर से आने वाले मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए भिलाई शहर में ये मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारम्भ किया गया है, जो यकीनन दुर्ग भिलाई के रहवासियों के लिए वरदान साबित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।